एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह आप एड ग्रुप मैन्युअली एक्सेल शीट के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिव एड अपलोड कर सकते हैं, डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव एड अपलोड कर सकते हैं, आप कीवर्ड अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट अकाउंट लेवल पे बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस किस कीवर्ड को नेगेटिव करना है, ताकि वो आप इन फ्यूचर वो आपको ट्रिगर ना हो, वो उन पे आपके ऐड ना शो हो। तो उसके लिए आपको आना टूल्स एंड सेटिंग के अंदर और अपलोड्स के अंदर आना है। अपलोड्स के अंदर आके तो अगेन आपको क्या करना है, आपको एक डैशबोर्ड नजर आएगा इस पे, तो वहां से आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स नजर आएंगी। मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, प्लस के साइन पे क्लिक करके ये मुझे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट की कीवर्ड की टेम्पलेट मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये डाउनलोड होगी, अब मैं इसको कर लेता हूं ओपन। ओपन करके मैं आपको ये दिखा दूं कि आपको ये इस तरह नजर आएगी शीट। आपको ये शीट इस तरह नजर आएगी, ये एक टेम्पलेट है बेसिकली। आपको इस फॉर्मेट के थ्रू आपको चीजें अपडेट करनी है कि आपको अगर ये कीवर्ड लिस्ट मैन्युअली इंपोर्ट करनी है बल्क में, तो वो आप कैसे करनी है, आपको ये जो कॉलम्स दिए हुए ये आपको अपडेट करने हैं। कुछ इसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑप्शनल और दूसरी रिक्वायर्ड। जो ऑप्शनल चीज है वो आप अपडेट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, और जो रिक्वायर्ड वाली है वो आपको लाजमी अपडेट करनी है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो रो टाइप है ये वाली, ये ऑप्शनल है, तो इसको अगर हम ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक्शन, ये भी ऑप्शनल है, तो इसमें एडिट करना है, ऐड करना है या रिमूव करना है, ये भी अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह कीवर्ड स्टेटस, लेवल, कैंपेन आईडी, ठीक है, ये सारी ऑप्शनल है। अब कैंपेन का नाम ये रिक्वायर्ड है, आपको किस कैंपेन में कीवर्ड लिस्ट इंपोर्ट करनी है वो लाजमी ऐड करना है, ठीक है, तो वो आप कैंपेन का नाम ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड ग्रुप आईडी, ये भी ऑप्शनल है, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या कुछ ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप का नाम आपको लाजमी इधर ऐड करना है। उसके बाद कीवर्ड आईडी, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स, ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपने अपनी नेगेटिव कीवर्ड्स आपके जितने भी है वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनको किस टाइप पे चलाना है, ये ऑप्शनल है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये आप लाजमी ऐड करें, ताकि आप बता सकें गूगल को कि आपको कौन से कीवर्ड किस मैच टाइप पे रखने हैं, ताकि उस बेस पे डिसीजन ले सके गूगल के इसको ब्रॉड पे चलाना है, फ्रेज पे चलाना है या एग्जैक्ट पे चलाना है। तो इस तरह इन फील्ड्स के अंदर आप अपना डाटा अपलोड करके आप गूगल को बता सकते हैं कि मुझे इन इन कीवर्ड्स को नेगेटिव करना है, तो आपको मैन्युअली जाके खुद वन बाय वन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा 100 कीवर्ड या जितने भी कीवर्ड्स हैं नेगेटिव करने हैं, जो आपने उसको इधर अपलोड करें शीट में ऐड करके एक दफा अपलोड कर दें तो आपका वो काम हो जाएगा। अपलोड कैसे करने हैं, अब आपको आना है यहाँ पे गूगल ऐड के अंदर आके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे फाइल मैंने डाउनलोड की, अपलोड अ फाइल कर सकते हैं और फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। ये जैसे ये फाइल मैंने अभी सेलेक्ट कर ली, या इसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं गूगल शीट के थ्रू कनेक्शन लिंक करके इनको आपस में और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बल्क में इम्पोर्ट कर सकते हैं गूगल ऐड में। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाए। अल्लाह हाफिज़।